हाय गाइस, वेलकम टू वर्कआउट 4 ऑफ दिस 5 वर्कआउट सीरीज, जिसमें हम मास बिल्डिंग और फैट बर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। तो गाइस, आज हमारा फोकस होगा आर्म्स के ऊपर, हालांकि हम पूरे बॉडी के ऊपर भी फोकस करेंगे, फैट बर्निंग जो एस्पेक्ट है उस पर भी फोकस करेंगे, लेकिन आर्म्स पे ज्यादा ध्यान देंगे आज। तो हमेशा की तरह गाइस, आपको बताया गया है कि इस वर्कआउट की रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास डंबल्स हो, हैवी वेट डंबल्स और लाइट वेट डंबल्स। तो हम शुरुआत लाइट वेट डंबल से करेंगे, और साथ ही साथ अगर आपके पास योगा मैट है तो वो भी अच्छी बात है। तो आज की वर्कआउट की बात करें गाइस, तो आज हम करेंगे सपाटे, जो कि एक बर्पीज की फॉर्म है, जो हमने आई थिंक पिछले वर्कआउट में भी की थी, तो आज भी कंटिन्यू करेंगे। और साथ के साथ हम करेंगे कर्ल्स और ट्राइसेप एक्सटेंशंस। तो स्टार्ट करेंगे लाइट वेट डंबल से, उसके बाद हैवी वेट डंबल। पहले के जो 2-3 सेट हैं, जो 2-3 राउंड हैं, राउंड नहीं कहूंगा, 2-3 सेट हैं, वो हम करेंगे लाइट वेट डंबल से, उसके बाद हम हैवी वेट डंबल पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइजेस बताने की कोशिश करेंगे, और उसके सीक्वेंस क्या रहेंगे वो बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे सपाटे बर्पीज। इसमें आप अपना टारगेट सेट करेंगे, जैसे जैसे आप वर्कआउट करेंगे, तो मेरा टारगेट रहेगा 4 या 5, क्योंकि पहले राउंड में हमारे पास 20 सेकेंड्स का वर्क है और 10 सेकेंड्स का रेस्ट है। और उसके बाद हम करेंगे कर्ल्स, क्लोज ग्रिप कर्ल्स, हल्के डंबल से करेंगे पहले, सिंपल। इसमें आप शोल्डर्स डाउन रखेंगे और ज़्यादा शेकिंग नहीं करनी स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो फोकस होगा वो टेक्निक के ऊपर होगा। हाँ, जैसे कि आप कंटिन्यू करेंगे आप वर्कआउट, जैसे कि आप फटीग हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो तब आप थोड़ा शेक कर सकते हैं, थोड़े आप चीट टैप्स लगा सकते हैं। कर्ल्स करने के बाद दोबारा बर्पीज करेंगे, उसके बाद हम करेंगे दोबारा बर्पीज करेंगे या सपाटे, सपाटे हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं। उसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप एक्सटेंशंस। तो इसके लिए आपको हिप हिंज करना होगा गाइस। कोई भी एक एक्सरसाइज जिसमें आपको बेंड ओवर होना हो, तो उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट हैक ये है कि आपकी जो हिप्स हैं वो सबसे पीछे चले जाएं, ऐसे उसको पीछे रखें जितना हो सके। और उसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप्स किकबैक्स। किकबैक इज द एग्जैक्ट नेम है, मैं अभी तक एक्सटेंशन बोल रहा था, तो उसके लिए आई एम सॉरी, तो लेकिन इसको हम बोलते हैं ट्राइसेप्स किकबैक्स। तो इसमें आपने क्या करना है, शोल्डर्स डाउन, एल्बोस टक्ड इन और किकबैक करें। पूरा आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि पूरा पीछे लेके जा रहे हैं। देखिए, आप इस मूवमेंट में भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी माइंड मसल कनेक्शन है ट्राइसेप के ऊपर वो सही है। तो सीक्वेंस ये रहेगा गाइस, सपाटे या बर्पीज, उसके बाद कर्ल्स, उसके बाद दोबारा बर्पीज, और उसके बाद किकबैक्स। और जो भी बिगिनर हैं, वो अगर आप सपाटे बर्पीज नहीं कर सकते, तो आप नॉर्मल बर्पी करें, कोशिश करें कि बने रहें। और कर्ल्स आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप लाइट वेट डंबल से लगाएं, क्योंकि हमारा मकसद है कि पूरे हमने राउंड्स कंप्लीट करने हैं। 2 राउंड हो गए, राउंड 1 20 सेकंड्स वर्क, 10 सेकंड्स रेस्ट, राउंड 2 30 सेकंड्स वर्क, 10 सेकंड्स रेस्ट, और दोनों राउंड्स के बीच में 1 मिनट का रेस्ट। तो शुरू करते हैं गाइस, टोटल ड्यूरेशन अगेन 30 मिनट रहेगा। डे 4 है का जो नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो डे 5 का होगा। ये प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी आप सबके पास, तो 5 दिन वर्कआउट करें, 2 दिन रेस्ट लें, फिर 5 दिन करें, और ऐसे आप 30 डेज कर सकते हैं। और अगेन गाइस, अगर आपको मील प्लान चाहिए तो आप मुझे DM कर दें इंस्टाग्राम पे, आपको मील प्लान दे दिया जाएगा, या अपना मील प्लान बताएं जो फॉलो कर रहे हैं, उस पर हम तब्दीली करेंगे। क्योंकि सिंपल रखना हमने गाइस अपनी फिटनेस को, कोई ज़्यादा हाईफाई चीज़ें नहीं अपनानी है, क्योंकि अगर हम हाईफाई चीज़ें अपनाएंगे तो हमें पता है हम रिजल्ट्स तो पालेंगे, लेकिन रिजल्ट्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू गाइस, इसी के साथ शुरू करते हैं डे 4, वर्कआउट 4। सपाटे बर्पीज करेंगे पहले गाइस, आराम से नीचे जाएं, ऊपर आएं, जंप करें, टू, थ्री, फोर। देखते हैं अभी टारगेट एप्स कितने लगेंगे। अभी शुरुआत हुई है, अब करेंगे कर्ल्स लाइट वेट डंबल से। 2.5 kg के डंबल हैं,
क्लोज ग्रिप, शुरू। अब हैवी वेट डंबल उठाएंगे, 10 केजी का है मेरे पास और सपाटे के टारगेट है 5। Go now.
रेस्ट, कम ऑन ना, फाइव पे टारगेट है गाइस, टू थ्री फोर फाइव टाइम चले सर बस को आग हमारे पास कोई और चारा नहीं है हो ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट Long way to go. Round one. Four, five,
स्ट्रेच 5 का टारगेट है। Go now. 1, 2, 3. Forward. Go on, guys. गाइस अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और अगर आप किकबैक्स लगा रहे हैं तो यू अलाउ टू डू सम चीटिंग बट स्टे विद मी गाइस, वी आर इन टुगेदर, इकट्ठे मरेंगे। चलो शाबाश, शुरू होने वाला गाइस राउंड टू। 15 मोर मिनट्स। स्पार्टन का टारगेट हो गया 7, देखी जाएगी जो भी होगा। 7 का टारगेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद कर्ल्स। Come on now. Put out a number. 10 और जाए फिर उस बोलते नंबर्स। कौन आ सात का टारगेट, पंगा ले लिया तो देखे जाए। काम गलत कर दिए इसमें, डंबल ड्रॉप कर दिए, ये नहीं करना।
टू थ्री फोर फाइव सिक्स डन करेंगे Thank you.
6 Come on, guys. Kickbacks. Trust me.
7 6 5 4 3 थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस वर्कआउट. लास्ट वर्कआउट में मिलेंगे. बाय गाइस. तब तक अपना ध्यान रखें.